अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आता है और वो अटैक जिस तरह से करता है ऐसे ही करता रहने दें, ये भी तो मुमकिन नहीं है, इसलिए उसको मार देना ऑर्डर गलत नहीं है। लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ लें, नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए यही करेंगे। सर दूसरा है कि डीएफओ वाघमन को हटा दिया गया, अभी किसी डीएफओ को हटाया नहीं गया। बड़ी संख्या में भेड़िया है तो उनको अगर पकड़ के कैप्चर भी करते हैं तो उनका क्या किया जाए? देखिए ऐसा है, भेड़िए जो हम पकड़ रहे हैं वहां पे सिर्फ 6 भेड़िए हैं जो कि हमारे ड्रोन में आए हैं, तो उनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं और 2 को और पकड़ना है, लेकिन वो 2 हम लोग अभी तक नहीं पकड़ पाए इतनी कोशिश के बाद भी, और फिर भी वो अटैक भी कर रहे हैं कई लोगों, अभी एक बच्चे को परसों मार दिया, एक महिला पे किया, तो जब इस तरह के कर रहे हैं तो अगर वो नहीं पकड़ में आएंगे तो उन्हें मार देना चाहिए। आदेश जारी हुआ है? जी हाँ, आदेश ये हुआ है कि उनको पकड़ने का हर मुमकिन प्रयास करना चाहिए और हम लोग कर रहे हैं उन्हें पकड़ने का, लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे तो वो इसी तरह से हमले करते रहे, ये भी तो हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। अभी आप पीलीभीत के अफसरों की तारीफ कर रहे थे, पीलीभीत के जंगल में शिकारी घुस जाते हैं, शिकार करते हैं, सुबह तक जो रेंजर है वो जानकारी ही नहीं देते उच्च अधिकारियों को, नतीजा होता है कि सुबह शिकारी बंदूक छीन कर ले जाते हैं, तब जाकर अफसर हरकत में आते हैं, तो इस लापरवाही पर क्या कहेंगे? देखिए जिन्होंने इस तरह की लापरवाही की उनकी जांच हो रही है, कार्रवाई होगी जरूर। सर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद देखिए, जिस दिन पता लगा मुझे कि जंगल में शिकारी घुसे, मैं उसी दिन अगले दिन यहाँ आ गया और मैंने यहाँ आके यही कहा कि हर हालत में शिकारी पकड़े जाने चाहिए और तुरंत पकड़े जाने चाहिए। मैं यहाँ की पुलिस की और अपने विभाग की सराहना करूंगा, उन्होंने 2 दिन के अंदर पकड़ दी। मैं कह रहा हूँ कहीं भी पकड़े गए, लेकिन पकड़ तो गए, शिकार करने के दौरान ही दोबारा पकड़ तो गए।